बसमरिम अल्ला मेरे प्यारे पाकिस्तानियों आज तेईस दिसंबर 2022 है आज का ये मेरा पहला वी है और इस वी का टॉपिक है पाकिस्तान की इकोनमी और ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तानी ये याद रखना कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ इसके बहुत सारे मकासद थे उन मकासद के अंदर सिर्फ इमरान खान को हटाना ही नहीं था उन मकासद के अंदर एक मकसद यह भी था कि पाकिस्तान को इकनॉमिकली इतना कमजोर कर दो कि पाकिस्तान को उठने के लिए साल हाथ साल लग जाए नंबर वन नंबर टू पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी तोड़ दो कि वो मजबूर हो जाएं कि जो भी उनके नेशनल डिफेंसिव एसेट्स हैं वो सरेंडर कर दें नंबर तीन उसके अंदर ये भी शामिल था कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए जो एटीन अमेंडमेंट की थी इन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने उसका मकसद भी यही था कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बुरी हो जाए तो फिर मजबूर हो जाए पाकिस्तान की सर्वाइवेबिलिटी तो फिर वो सूबों को आजादी दे दे मेरे पाकिस्तानी को यह याद रखना कि ये इतना बड़ा गनौना जुर्म है कि जिसकी शिद्दत आप शायद अभी महसूस करना शुरू करें स्पेशली वो लोग जो पीपल्स पार्टी को मुर्दा भुट्टो को जिंदा किए हुए हैं स्पेशली वो लोग जो कि एक कुत्ते को शेर बना के बैठे हुए हैं ये याद रखिएगा ये आपका घर है पाकिस्तान ये है तो आपकी पहचान है ये है तो आपकी आजादी है ये है तो आपको सुख का सांस भी है लेकिन ये जितने लोग हैं पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग इन्होंने जितनी लूटमार की है ये तो अपना पैसा बाहर ले गए इनकी प्रॉपर्टीज कारोबार हर चीज इनका बाहर है रैक पीछे कौन जाता है वो पाकिस्तानी जो इनके पीछे नारे लगाते हैं भुट्टो जिंदा है शेर शेर की बात करते हैं वो पीछे रह जाएंगे और वो प, इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि वो पछता सके वो वक्त ही नहीं आएगा उनको पछताने का क्योंकि हर चीज तबाहों बर्बाद हो चुकी होगी अब इस वक्त याद रखिएगा कि हम वो जो सुर्ख लाइन है हम उसके ऊपर खड़े हैं हम पाकिस्तानी उस सुर्ख लाइन पे आ चुके हैं हमारी सर्वाइवेबिलिटी बहुत मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है पाकिस्तान को मैं पहले भी वी करके आप लोगों को बता चुका हूं कि पाकिस्तान ऑलरेडी बैंक हो चुका है आपको सही इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती आपसे छुपाया जा रहा है वजह क्या है डिले टाइम गेन करना अपने जो केसेस है उनको माफ करवाना और जो कुछ पाकिस्तान में बचा है उसको लपेट के बाहर लेके जाना तो लिहाजा अभी वो वक्त आ चुका है कि अभी आपने अपना खुद फैसला करना है कि क्या आज भी मुर्दा भुट्टों को जिंदा समझेंगे क्या आज भी हम आप शेर एक बारी फेर के नारे लगाएंगे इस चीज के ऊपर ये आप लोगों ने तहया करना है फैसला करना है कि क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं या उन गद्दारों के साथ हैं उन लुटेरों के साथ हैं जिन्होंने आपका पाकिस्तान लूटा और आपका सुकून बर्बाद किया आपके बच्चों का फ्यूचर तबाह बर्बाद कर दिया मेरे पाकिस्तानियों अब भी वक्त है, अब भी वक्त वक्त है, है, अब लेकिन बहुत थोड़ा कि इनको किक इनको कीजिए, दरों दरवाजे से अपने जेनों से अपने इलाके से बाहर निकालिए और हुकूमत से इनसे इन छीन लिए ये चोर डाकू उचके हैं अगर रहेंगे तो पाकिस्तान नहीं बचेगा आज की वीलॉग इस उम्मीद के साथ कि हम अल्लाह ताला हमारी मदद करें पाक फौज जिंदाबाद पाक सम्फोजिंदिंदाद सामकम